हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जब भी हम म्यूचुअल फंड से पैसा निकालने की रिक्वेस्ट सबमिट करते हैं तो एक्चुअली में हमारे बैंक खाते में पैसा आने में कितना समय लगता है। इसी के साथ में जब भी हम अपने पैसे को विड्रॉल करने की रिक्वेस्ट करते हैं तो जो NAV है वो कौन से दिन की कैलकुलेट होती है। इसी के साथ में कौन कौन से टैक्स लगते हैं, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। बिल्कुल मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूं। तो जैसे कि ये मोबाइल की स्क्रीन है, आपको बराबर में शो हो रही है। अब आप यहाँ पर देखेंगे, जैसे कि नीचे में आपको यहाँ पर कुछ अमाउंट है जो कि निकला हुआ यानी कि मेरे बैंक खाते में आया हुआ देखने को मिल रहा है, जैसे कि 4,95,670.33। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे कि मैंने कौन से म्यूचुअल फंड में पैसे को निवेश किया था और यहाँ पर मुझे कितना प्रॉफिट हुआ है, कौन कौन से टैक्स लगे हैं, कितना समय लगा है, वो आपको इस वीडियो में सब कुछ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर कॉन्ट्रा के फंड में यहाँ पर पैसे को निवेश किया था और 3.5 लाख रुपये मैंने इसमें निवेश किए थे, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने 1 तारीख 9 महीना 2023 में पैसे को निवेश किया था, यानी कि 1 सितंबर को। ठीक है, इसी के साथ में जो पैसे को मैंने विड्रॉल की रिक्वेस्ट यहाँ पर सबमिट की थी वो मैंने की थी 25 अक्टूबर को। ठीक है, 25 को यानी 26 को की थी, वो आपको आगे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आपको ये भी देखने को मिला है जो प्रॉफिट है मुझे यहाँ पर कितना हुआ है, 1,35,699.47 का मुझे यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिला है। और इन्होंने कहा कि जो रिटर्न आपको मिला है वो मिला है 32.67। ठीक है, बैंक जाकर मैंने अपने पैसों को निवेश किया था और इसी के साथ में बैंक वाले हैं वो रेगुलर ही प्लान बताएंगे आपको, डायरेक्ट प्लान नहीं बताएंगे। रेगुलर प्लान वो आपको क्यों बताते हैं, जैसे कि जब भी अगर आप म्यूचुअल फंड कोई सा भी सही, अगर आप रेगुलर प्लान में वहाँ पर पैसे को निवेश कर रहे हैं तो कहने का मतलब है आप वहाँ पर एक एजेंट को बाय कर रहे हैं। अब उस एजेंट के जरिए आप म्यूचुअल फंड में पैसे को निवेश कर रहे हैं। अब जिस म्यूचुअल फंड में पैसे को निवेश कर रहे हैं, ठीक है, तो वो कंपनी क्या करेगी, उस एजेंट के लिए वहाँ पर सालाना कमीशन देती रहेगी। जब तक आपका पैसा उस म्यूचुअल फंड में रहेगा तब तक वहाँ पर यह है कि उस एजेंट को कमीशन मिलती रहेगी, क्योंकि हम कमीशन नहीं देते हैं, वो कंपनी कमीशन देती है उस एजेंट को। तो इसी वजह से जो बैंक में अगर आप जाते हैं तो वो आपको सिर्फ वहाँ पर रेगुलर ही प्लान बताते हैं। रेगुलर प्लान में और डायरेक्ट प्लान में आप किस तरीके से पहचान कर सकते हैं, रेगुलर प्लान में अगर कोई भी म्यूचुअल फंड होगा तो उसमें रेगुलर नाम का शब्द जरूर आता होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है आप वहाँ पर समझ जाइएगा कि ये रेगुलर प्लान है। ठीक है, यही एक उसकी पहचान है। उसके बाद में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, डियर कस्टमर योर रिक्वेस्ट, तो मैंने यहाँ पर जो रिक्वेस्ट की थी 26/10/2024 में, यानी कि 26 अक्टूबर को मैंने यहाँ पर रिक्वेस्ट की थी, एक मेरे पास मैसेज आया, इन्होंने कहा कि जो आपका टोटल अमाउंट है वो यहाँ पर इतना बनना है, जैसे कि 4,95,670.33। तो ये मैसेज मेरे पास 29 में आया था। 29 में आने के बाद इन्होंने कहा था कि जो 30 अक्टूबर 2024 को आपके बैंक अकाउंट में ये पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इसी के साथ में अब बात कर लेते हैं NAV की। जैसे कि अगर मैं आज म्यूचुअल फंड से पैसा निकालने की रिक्वेस्ट सबमिट करता हूँ, NAV आज 50 है या फिर 100 है या फिर कितनी भी है, ठीक है, पर यहाँ पर जो पैसा है 3 से 4 दिन लग जाते हैं आपके बैंक खाते में पैसा आने में। इसी के साथ में अगर NAV आज 24 है, कल को हो सकती है घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है, ठीक है, तो वो NAV कैलकुलेट होगी, ताकि आज की नहीं। ठीक है, तो आप ये बात अच्छी तरीके से समझ जाइएगा। तो आपका जो म्यूचुअल फंड का समय था कितना लगता है वो भी क्लियर हो गई, NAV थी वो भी यहाँ पर क्लियर होगी। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर बात कर लेते हैं जो पैसा है वो टैक्स कितना लगता है। ठीक है, देखो दोस्तों, मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया था कि अगर आप 1 साल से कम के लिए यानी कि पैसे को निवेश करते हैं तो आपको 20% टैक्स और इसी के साथ में एग्जिट लोड पे करना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पर यानी कि मेरे तो 13 मंथ हो गए, तो 1 साल से ऊपर हो गया, तो मुझे यहाँ पर शॉर्ट टर्म टैक्स पे करना नहीं पड़ेगा, लॉन्ग टर्म टैक्स ही पे करना पड़ेगा। तो जो कि अगर आप लॉन्ग टर्म के तहत अपने पैसे को विड्रॉल करते हैं तो वहाँ पर आपको 12.5 टैक्स पे करना पड़ता है। अब यहाँ पर मैंने 3.5 लाख रुपये यहाँ पर निवेश किए थे, वो पहले तो 3.5 लाख वो निकाल लूँगा। इसी के साथ में जो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है तो उस पर मुझे 1,25,000 की छूट मिल रही थी। ठीक है, तो जो मुझे प्रॉफिट हुआ है 1,25,000 पहले उसमें से निकाला जाएगा, उसके बाद में जो बचा उस पर टैक्स कटेगा मेरा यहाँ पर 12.5। तो उस हिसाब से यहाँ पर जो कट पिट के यहाँ पर जो पैसे आते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पर ये तो सब कुछ समझ में आ ही गया।
अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, जैसे कि इस समय अगर आप म्यूचुअल फंड में या फिर SIP में अपना पैसा निवेश करना चाहते हैं तो ये सबसे अच्छा मौका है। जैसे कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है जो ग्राफ था यानी कि जो NAV थी वो यहाँ पर डाउन चल रही है इस समय, ठीक है। और मैंने आपको कल की वीडियोस में आपको मैंने बताया भी है कि आप किस तरीके से ग्रो एप्लीकेशन के थ्रू आप डायरेक्ट में पैसे को निवेश कर सकते हैं। तो अभी जो NAV है वो सस्ती है, इस समय आप म्यूचुअल फंड में या फिर SIP अपनी शुरू कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा मौका है, आप समझ सकते हैं ये गोल्डन चांस है आपके लिए, ठीक है। तो मैंने इसमें पैसा निवेश भी किया है, अगर आप करने वाले हैं तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में हाँ लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य लोगों को भी इसके बारे में पता चल पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।